रविवार की शाम छतरपुर के गड़ी महलेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिड़पा में एक 32 वर्षीय युवक हल्के राजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही 6 लोगों के विरुद्ध धारा 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब इस मामले में नया मोड़ मंगलवार को सामने आया, जब जनसुनवाई के दौरान ग्राम पिड़पा के रहने वाले सैकड़ों लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। इन लोगों ने बताया कि पुलिस ने एक पक्ष की आवाज सुनकर फर्जी मुकदमा कायम किया है। कई लोगों को हत्या के इस मामले में झूठा फंसा दिया गया है। हत्या के इस मामले में अर्जुन घोष निवासी बरदवाहा के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अर्जुन घोष के पुत्र अंकित घोष ने बताया कि उनके पिता पर झूठा मामला दर्ज कराया गया है, जो कि रंजिश के तहत हुआ है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है। उनके साथ अन्य आरोपियों के परिजन भी मौजूद थे। जो 29 तारीख को करीब 4 बजे जो हल्के राजा नामा ख़त्म हो गए थे, तो उसके बाद अब अपने घर पर आई पुलिस सुबह 4 बजे। तो उनने पूछा कि वो अर्जुन सिंह कहाँ है। वो गए थे आमखेरा गांव है, घर से 6 किलोमीटर दूर वो गए थे वहाँ पर। तो उनने पूछा, सुबह अपन ने बताया कि वो तो वहाँ पर गए थे। बोले नहीं, और उनका नाम आ रहा, वो नाम भी आ गया FIR में अर्जुन सिंह का। इसलिए अपन आए कि इसकी जाँच की जाए, अपना पुलिस अपन को परेशान करे, तो जांच में आ जाए। अगर हाँ अपन दोषी हैं तो फिर आगे कार्रवाई की जाए। इसलिए अपन SP ऑफिस आए थे आवेदन देने के लिए। सामने बुलाया कि उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी।